Assalamualaikum students. Now we will continue our chapter 11 sound and today we will solve conceptual questions. Question 1 hai, why two tin cans with a string stretched between them could be better way to communicate than merely shouting through the air. कह रहे हैं कि अगर दो tin हैं, ठीक है, दो टिन हैं और टिन भी क्या हैं, सॉलिड होते हैं. अगर उनके दरमियान में एक स्ट्रिंग से वो अटैच हैं, ठीक है, यहाँ से अगर आप बोलोगे तो यहाँ से आप क्या करोगे, सुनोगे. कह रहे हैं कि टिन के दरमियान में बोलना और फिर सुनना बेटर है एज़ कम्पेयर टू के आप हवा में एक दूसरे से बात कर रहे हो, ठीक है. तो ये क्यों होता है, अब ये क्यों होता है कि आप देखो, जो स्ट्रिंग दो टिन के बीच में अटैच है, ठीक है, वो ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू कि आप हवा में शाउट करके बोलोगे, आपकी जो साउंड है वो स्प्रेड करेगी, फैलेगी, ठीक है. तो अगर आप टिन के दरमियान में बोलोगे, ठीक है, तो आपको क्लियरली आवाज़ भी सुनाई देगी और आपकी जो आवाज़ है वो आपको ज़्यादा ऊंचा बोलना भी नहीं पड़ेगा, ठीक है. आपकी जो साउंड है वो ऑल डायरेक्शंस में, तमाम डायरेक्शंस में स्प्रेड भी नहीं करेगी, ठीक है. और जब आप टिन में बोलोगे, ठीक है, तो आपको क्लियरली सुनने वाले को आपकी आवाज़ क्लियरली आएगी, ठीक है, और बोलने वाले को भी इतनी फोर्स नहीं लगानी पड़ेगी. स्ट्रिंग स्ट्रेच बिटवीन टू टिन कैंस कुड बी बेटर वे टू कम्युनिकेट देन मेयरली शाउटिंग थ्रू द एयर बिकॉज साउंड वेव्स प्रोपोगेट मच बेटर. साउंड वेव्स बेटरली प्रोपोगेट करेंगी, ठीक है, एंड फास्टर इन सॉलिड मटेरियल दैन एयर. और सॉलिड मटेरियल से फास्टली मूव करेंगी एज़ कम्पेयर टू एयर, ठीक है. Sound expand in air in all directions and communicate between persons become difficult. In two tin cans and wire system, sound travel in a specific direction with greater speed than in air. अगर आप कैन में बोलोगे तो साउंड बेटरली मूव करेगी, ठीक है, बेटरली अपनी डायरेक्शन में मूव करेगी. सेकेंड हमारे पास क्वेश्चन है 11.2. वी कैन रिकोगनाइज पर्सन स्पीकिंग विद द सेम लाउडनेस फ्रॉम देयर वॉइस. हम देख रहे हैं कि दो पर्सन हैं, ठीक है, और दोनों की जो लाउडनेस है वो सेम है, ठीक है. हाउ इज़ दिस पॉसिबल, हम उनको उनकी आवाज़ से किस तरह से उनको रिकोगनाइज करेंगे, ठीक है, दोनों की लाउडनेस क्या है, सेम है, हमें उनको रिकोगनाइज करना है कि कौन से पर्सन की कौन सी आवाज़ है. अब हमने कहा था कि लाउडनेस और पिच तो साउंड हो सेम हो सकती है, ठीक है, लाउडनेस और पिच जोन सी है, लाउडनेस एंड पिच सेम हो सकती है, ठीक है. लेकिन हम आवाज़ को किससे डिफ़र करेंगे, क्वालिटी ऑफ साउंड से डिफ़र करेंगे, ठीक है. क्वालिटी ऑफ साउंड हमेशा क्या होती है, डिफरेंट होती है. जब दो लोग बोल रहे होंगे तो उनकी जो साउंड वेव्स हैं उनकी डिफरेंट वेव फॉर्म्स होंगे, ठीक है, उनकी क्वालिटी डिफरेंट होगी. हम उन्हें क्वालिटी ऑफ साउंड से डिफ़र कर सकते हैं. क्या पता कोई बोल रहा है तो उसकी जो वेव फॉर्म है वो इस तरह से बन रही है, ठीक है, नेक्स्ट की वेव फॉर्म है वो इस तरह से बन रही है, नेक्स्ट की जो है वो कुछ इस तरह से बन रही है, ज़्यादा पतली आवाज़ है, तो हम उन्हें क्वालिटी ऑफ साउंड से डिफ़र कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 11.3. यू कैन लिसन टू योर फ्रेंड अराउंड अ कॉर्नर बट यू कॉन्ट वॉच हिम हर वाई. कह रहे हैं कि आप अपने फ्रेंड को, एक कॉर्नर है, ठीक है, इस तरह से, उस कॉर्नर में आप अपने फ्रेंड को सुन सकते हैं, ठीक है, यू आर हेयर, ठीक है, आप अपने फ्रेंड को सुन सकते हैं बट आप उसको देख नहीं सकते, क्यों, ठीक है, सुन रहे हैं लेकिन देख नहीं रहे, क्यों, ठीक है. अब इसका आपके पास आंसर है, वॉइस कैन बी लिसन अराउंड द कॉर्नर बिकॉज साउंड वेव्स ट्रैवल अराउंड ऑब्स्टेकल ड्यू टू इट्स वेरी लार्ज वेव लेंथ, ठीक है, इट इज़ डायरेक्टेड अराउंड द कॉर्नर ऑब्स्टेकल. कह रहे हैं अगर इस तरह से है, ठीक है, इस तरह से आपका फ्रेंड यहाँ पे और आप यहाँ पे और आप उसकी आवाज़ सुन रहे हैं, ठीक है, इस तरह से, यू आर हेयर एंड योर फ्रेंड इज़ हेयर, आप उसकी आवाज़ सुन रहे हैं, ठीक है. अब जो आवाज़ है वो साउंड वेव जो हैं वो ऑब्स्टेकल के अराउंड ट्रैवल कर सकती हैं अपनी लार्ज वेवलेंथ. अब अगर उसने यहाँ बोला है तो साउंड वेव यहाँ से ईजिली गुजर जाएंगी, ठीक है, क्योंकि उनकी वेवलेंथ क्या है, लार्ज है, ठीक है. लेकिन अगर लाइट कम है, अब देखें यहाँ पे कॉर्नर है ना, ठीक है, तो साउंड वेव्स तो इजीली टर्न कर जाएंगी, आप तक पहुँच जाएंगी, लेकिन जो लाइट है उसकी वेवलेंथ कम होती है, लाइट कॉर्नर से इजीली
इस तरह से अपनी साइज़ की वजह से इजीली बेंड नहीं कर सकती, ठीक है। उसकी वेवलेंथ क्या होती है, स्मॉलर होती है। स्मॉलर वेवलेंथ की वजह से लाइट कॉर्नर से बेंड नहीं कर सकती, इसलिए आप अपने फ्रेंड को नहीं देख सकते। लार्जर वेवलेंथ की वजह से साउंड जो है वो तो इस तरह से बेंड कर जाएगी, डायफ्रैक्ट कर जाएगी, स्प्रेड भी कर जाएगी, लेकिन लाइट की वेवलेंथ कम है तो इस वजह से वो बेंड नहीं कर सकेगी। देन है 11.4, व्हाई मस्ट द वॉल्यूम ऑफ स्टीरियो इन अ रूम विद वॉल टू वॉल कारपेट बी ट्यून्ड हायर देन इन अ रूम देन विद अ वुडन फ्लोर। कह रहे हैं कि एक रूम आपके पास ये है, एक रूम आपके पास ये है। एक रूम में क्या है, कारपेट है, ठीक है, बहुत इस तरह से कारपेट है, और एक रूम में आपके पास क्या है, ये है रूम वन जिसमें कारपेट है, और ये है रूम टू जिसमें ये क्या है, वुडन फ्लोर है, ठीक है, ये क्या है, वुडन फ्लोर है। कह रहे हैं कि कारपेटेड रूम में अगर स्टीरियो बज रहा है तो उसकी आवाज़ ऊंची होगी और वुडन फ्लोर में जो आवाज़ है वो लो होगी, क्यों। अब देखें, कारपेटेड जो आपके पास रूम है, मैंने पहले भी बताया था कि वो साउंड को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। सॉफ्ट और पोरस सरफेस साउंड को क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है, ठीक है, वहाँ पे रिफ्लेक्शंस कम होती हैं, लेकिन जो वुडन फ्लोर है वहाँ पे रिफ्लेक्शंस ज़्यादा होती हैं। अब कारपेटेड रूम में आपको साउंड जो है वो उसकी ट्यून हायर करनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पे रिफ्लेक्शन ज़्यादा हैं तो आपको जो आवाज़ है वो कम आएगी। जब आप ज़्यादा करेंगे तभी आपको आवाज़ ज़्यादा आएगी। अब वुडन फ्लोर में आवाज़ कम भी होगी तो वहाँ पे रिफ्लेक्शन स्मूथ सरफेस है, रिजिड सरफेस है, तो वहाँ पे जो आपकी आवाज़ है वो आपको रिफ्लेक्शन से ज़्यादा आएगी, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है 11.5, अ स्टूडेंट से द टू टर्म्स स्पीड एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ द वेव रेफर टू सेम थिंग। कह रहे हैं कि एक स्टूडेंट हैं, ठीक है, वो कहता है कि जो स्पीड और फ्रीक्वेंसी है वो दोनों क्या हैं, सेम थिंग्स हैं। तो आप बताएं कि आपका क्या रिस्पांस है, क्या स्पीड और फ्रीक्वेंसी सेम है? नहीं, स्पीड और फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है, ठीक है। स्पीड का जो फार्मूला, स्पीड की जो हमारे पास डेफिनेशन है वो क्या है, वेव स्पीड इज़ द मेजर ऑफ हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू ट्रैवल इन गिवन डिस्टेंस। स्पीड क्या है कि कोई भी चीज़ कितने टाइम में कितने डिस्टेंस में मूव करती है, और फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या है, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग इन अ सेकेंड, के नंबर ऑफ वेव्स एक सेकेंड में कितनी नंबर ऑफ वेव पास करती हैं। दोनों की डेफिनेशन क्या है, अलग अलग है, तो दोनों की क्वांटिटीज भी क्या हैं, अलग अलग हैं, इसलिए दोनों क्या हैं, अलग हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास 11.6 है, टू पीपल्स आर लिसनिंग टू द सेम म्यूजिक एट द सेम डिस्टेंस, ठीक है, दो लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, ये क्या है, पर्सन वन है, और ये क्या है, पर्सन टू है, दोनों क्या सुन रहे हैं, सेम म्यूज़िक, ठीक है, सेम म्यूज़िक सुन रहे हैं, ठीक है, और सेम डिस्टेंस पे हैं, ठीक है। म्यूज़िक अगर यहाँ पे है, ठीक है, म्यूज़िक अगर यहाँ पे है, ये इस जगह पे हम म्यूज़िक कर लेते हैं, ये इधर, ठीक है, तो डिस्टेंस भी अगर दोनों का सेम है, ठीक है, पर्सन टू यहाँ आ जाता है, ठीक है, डिस्टेंस दोनों का सेम है और म्यूज़िक, या फिर इसको रहने दें, यहाँ दरमियान में आपके पास क्या है, म्यूज़िक है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, पर्सन टू, और यहाँ पे क्या है, पर्सन वन। अब देखें, डिस्टेंस दोनों का म्यूज़िक से सेम है, ठीक है, और म्यूज़िक भी सेम है, लेकिन वो दोनों डिसएग्री करते हैं। ये कह रहा है मुझे आवाज़ ज़्यादा आ रही है, ये कह रहा है मुझे आवाज़ कम आ रही है, ठीक है, ऐसा क्यों होता है, क्यों, क्योंकि उनकी ईयर की सेंसिटिविटी पे, उनकी जो ईयर की सेंसिटिविटी है वो क्या है, इसकी ज़्यादा है, इसकी क्या है, कम है, ठीक है। दे डिसएग्री ऑन लाउडनेस बिकॉज लाउडनेस डिपेंड अपॉन सेंसिटिविटी ऑफ ईयर ऑफ द लिसनर। उनकी ईयर की सेंसिटिविटी क्या है, ख़राब है, ठीक है, एक की सेंसिटिविटी ज़्यादा है, एक की क्या है, कम है।